ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 14 मई 2022 की। आज की मुरली में बाबा ने विशेष याद पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए व शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए भी कम से कम 8 घंटा बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है, और जितना याद में रहेंगे उतना सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान दे सकेंगे। यही आप समान बनाने की सेवा करनी है। फिर देवी गुणों के लिए बताया कि तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर एग्जाम्पल दिया कि सतयुग में जानवर भी किसी को दुख नहीं देते, कभी लड़ते नहीं है, तुमको भी सीखना है। फिर कहा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, याद में रहेंगे तो तुम आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है, क्योंकि हर एक आत्मा के गुह्य पार्ट्स खुलते हैं, हर आत्मा के ड्रामा के राज खुलते हैं, तो पिछाड़ी में वाह वाह होती है, उसी समय बहुत खुशी में रहेंगे। फिर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा, यह तो बहुत दर्दनाक समय है, इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत तब आएगी जितना याद में रहेंगे, स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे, तभी अंतिम समय के दर्दनाक सीन को भी साक्षी होकर देख सकेंगे। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म बल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। आज मुरली में प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में ऊंच पद पाने के पुरुषार्थ 2 बताए। पहला, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरा बताया, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो, ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े, सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख और चैन हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है, पहला, बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद में रहे सारे विश्व को शांति का दान देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान के खजानों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के खजानों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण है, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा, खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजय बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेंगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजय बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाती है। इसलिए कहा जाता है ना, जहाँ दृढ़ता है, निश्चय है, वहाँ सफलता है ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।